इस खूबसूरत से बारिश के मौसम में ये मज़ेदार गर्मा गर्म सूजी का हलवा तो क्या ही बात है ना, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। तो वैसे भी बारिश का मौसम हो तो दिल करता है कुछ इस किस्म का ही खाया जाए, और कुछ पकौड़े हों, समोसे हों, कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसे हों, और साथ चाय का कप हो तो क्या ही बात है, क्या ही कहने, मौसम का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जी अस्सलाम वालेकुम सभी को, और बताएं सब कैसे हैं। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैंने सूजी ली है, और सूजी को सबसे पहले मैंने पैन में जो फ्राई किया था विदाउट मक्खन, और उसमें जब ज़रा फूलने लगी तकरीबन 5 मिनट किया था, ज़्यादा नहीं करना कैसे जैसे बर्न वगैरह हो जाए, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने उसी पैन में जो है मक्खन लिया, और उसके बाद उसमें सूजी को जो है फ्राई कर रही हूँ। तो ऑलरेडी हुई हुई थी, तो बस इसको फिर इतना ज़्यादा करने की भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो बस लगे जैसे अब सूजी जो है फूलने लगी है, तो उसके बाद हम इसका अपना जो फर्दर प्रोसेस है वो करेंगे। तो ये जो हलवा है ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सी रेसिपी है, इस वजह से भी बनाती हूँ, और दूसरा जो अलहदा से शीरा वगैरह प्रिपेयर करते हैं उस वजह से भी बनाती हूँ। तो इसमें मैं अब इसमें चीनी ऐड की है, और इसके साथ मैंने कार्डमम जो था क्रश्ड वो मैंने ऐड की है, ग्रीन कार्डमम, तो वो ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करूँगी। और चीनी जो है जी पर टेस्ट है, तो वैसे तो ये कहते हैं जी मीठा जो है इसमें हम वज़न लेते हैं, और मैंने इसमें एक कप जो है सूजी थी, तो एक कप से थोड़ा सा कम कहने के मैंने इसमें जो है वो चीनी ऐड की थी, और भर के कप मैंने नहीं लिया था। तो बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके अपने टेस्ट पे, आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं कम करते हैं, तो सो इट्स अप टू यू। सो जब चीनी अच्छे से डिसॉल्व हुई और लगे कि मेल्ट हो गए, तो उसके बाद मैंने इसमें जो है पानी ऐड किया था, पानी तकरीबन वही कप जो है मैंने 2 कप पानी ऐड किया था। तो पानी भी ऐड करने के बाद इसको फिर मैंने ये इसमें कोकोनट और रेजिन इसमें मैंने ऐड कर दिए थे, तो अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, और साथ इसके अब मैं ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ, तो इससे बड़ा ज़बरदस्त सा इसका जो है कलर आता है। तो बाकी ये है कि बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है, इसमें मैं अमूमन बनाया जाता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई हैं, लोग इसमें जो है वो एग भी ऐड कर लेते हैं, और इसके साथ जो बेसन है उसको मिक्स करके भी बनाते हैं। तो लेकिन मैं बस बेसिक इसी वे में बनाती हूँ, बाकी डिपेंड करता है जी, मक्खन जो मैंने इसमें लिया है सो जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इसमें जो है ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में वो बात नहीं है जो मक्खन या घी में है। तो ये जो ट्रेडिशनल मीठे हैं इस किस्म के, ज़रा ये थोड़े से घी वगैरह में या बटर वगैरह में बने तो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी तो इट्स अप टू यू। और वैसे ये है कि कभी कभार की खैर ये, अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना उसको इन्जॉय करने के लिए, तो आप इसमें जो है बटर या घी ऐड करें। तो अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और जब लगे कि हलवा जो है किनारे छोड़ने लगा है, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त हमारा मज़ेदार सा हलवा प्रिपेयर हो जाएगा, और बहुत जल्दी विद इन नो टाइम। सो आप लोग बताइएगा कि आप किस वे में बनाते हैं, और बस अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बातचीत होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।